ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंडल रेल प्रबंधन नागपुर के नाम स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेसियों ने यह मांग की है कि स्थानीय कालकापारा से डोंगरगढ़ शहर को जोड़ने वाला पुराना अंडरब्रिज को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आपको बता दें कि इस अंडरब्रिज को बीते कई वर्षों से मेंटेनेंस के कारण रेलवे ने बंद कर रखा है, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से विधायक ने रेलवे प्रशासन से यह मांग की है कि जल्द से जल्द इस अंडरब्रिज को आवागमन के लिए शुरू किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में नवरात्र पर्व को देखते हुए श्रद्धालुओं को भी मंदिर दर्शन के लिए इसका लाभ मिल सके। आज हमारे एक कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और सभी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग यहाँ पे जो पुराना अंडरब्रिज है, विगत 2-2.5 सालों से पता नहीं रिपेयरिंग का काम चल रहा है और उसमें आवागमन की बहुत बाधा हो रही है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। आपको पता है कि हमारा कालकापारा का एक बहुत बड़ा एरिया रेलवे के इस पार है और पटरी के उस पार हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल्स और बहुत सारे नागरिक वहाँ पर निवास करते हैं और पूरे मार्केट आना जाना रहता है, इस कारण बहुत दुविधा हो रही है। इसके लिए हम लोग इस रेलवे प्रशासन को आगाह करने आए थे ज्ञापन के माध्यम से। और अभी नवरात्रि भी आ रहा है, नवरात्रि से पहले अगर वहाँ आवागमन शुरू नहीं होगी तो उससे पहले हम लोग एक उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आज दिनांक 12/3/2023 को विधायक जी डोंगरगढ़ भुवनेश्वर बघेल जी के द्वारा एक विज्ञप्ति दिया गया है, जिसमें कालकापारा अंडरब्रिज जो कुछ वर्षों से निर्माणाधीन है उसके संबंध में विज्ञप्ति दिया गया, जो जल्द ही शुरू करने की कार्रवाई की मांग की गई है। इस संबंध में मैं अपने संबंधित अधिकारी महोदय AN डोंगरगढ़, सीनियर DOM नागपुर, सीनियर DM नागपुर और संबंधित अधिकारियों को सूचित करूंगा और यथाशीघ्र चालू करने की कोशिश करूँगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।